हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम सा। मिनल्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम होममेड पनीर बनाने जा रहे हैं। हाँ, जैसा दिख रहा है वैसा ही बनने वाला है। सो लेट्स सी हाउ टू मेक इट। पनीर बनाने के लिए हमें 1 लीटर दूध चाहिए। ये मैंने भैंस का दूध लिया है, पैकेट आता है वैसे, और ये 1/2 टेबल स्पून विनेगर लिया है। तो सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे और उसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। कंटिन्यूस उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, स्टर करने की जरूरत नहीं है। और उसमें थोड़ा उबाल आएगा तभी हम उसमें विनेगर डालेंगे। ये देखिए, थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे। धीरे धीरे डालना है एकदम। अब देखना ये दूध कैसे दानेदार हो जाता है। एकदम धीरे धीरे इसको हिलाते रहिए, स्टर करते रहिए इसको। ये देखिए, उसका एक एक दाना अलग हो रहा है। अभी इसको एकदम ओकेशनली स्टर करना है। आप अगर कंटिन्यूसली इसको हिलाएंगे तो इसके बहुत ही छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको धीरे धीरे एकदम चला रही हूँ। सी हाउ नाइसली इट हैज डन। अब आप गैस इसका बंद कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है, ये मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको छान सकते हैं। ये देखिए, इसके कितने बड़े बड़े पूरे पीसेस आ रहे हैं, बिकॉज हमने इसको बहुत ही धीरे से स्टर किया था। ये देखिए, एकदम इसको छान लिया हमने, पानी पूरा नीचे रह गया है। अब इसको पूरा फोल्ड करके थोड़ा धीरे से आपको निचोड़ना है, बिकॉज बहुत ही गर्म रहता है ये, पर थोड़ा सा ठंडा गुनगुना है। एक्चुअली हमने थोड़ा इसको दूध को इसको ठंडा किया था। अभी ये जो पानी बचा है इसको हम फेंक देंगे। आप चाहो तो इसे में यूज भी कर सकते हो सब्जी में वगैरह। ये देखिए, पूरा अच्छे से निचोड़ दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर डालेंगे। ये मैंने एक बॉटल जितना लिया है, और यू कैन से लगभग 500 ml। और इसको अच्छे से उसमें डिप करके निकालेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से बंध जाए। ये 8 से 10 बार आप उसको इस तरह से डिप करके निकाल सकते हो। अब हम इसको अच्छे से फिर से निचोड़ देंगे। पूरा बाहर कैसे हलवाई बनाते हैं ऐसा ही पनीर हमारा भी बनने वाला है। एंड जस्ट ट्राई इट, इट्स वेरी नाइस, वेरी सिंपल टू मेक। अब ये देखिए, हमने एक थाली ली है, एक प्लेट ली है, उस पर मैंने एक और प्लेट ली है जो कि थोड़ी सी डीप है। डीप है मतलब, या इसको हमने उल्टा रख दिया है ताकि जो भी पानी एक्सेस वाटर है वो सीधा थाली में जमा हो जाए, इधर उधर ना गिरे। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर रही हूँ, एकदम बीचों बीच रखा है मैंने इसको। अब भारी बर्तन कहाँ से लाए, तो हमने कुकर ही ले लिया है जो कि सबके घर में अवेलेबल है। उसमें पानी भर दिया है और इसको हम लोग लगभग 1 से 1.5 घंटे तक, आप चाहो तो 2 घंटे तक भी रख सकते हो। ये देखिए, हमारा पनीर एकदम, उस पर वजन की वजह से वो दब गया है और एक इक्वल उसकी कंसिस्टेंसी बनने वाली है, इक्वल लेवल होने वाला है उसका, और एक अच्छा सा शेप आएगा। सो ये हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने 2 घंटे के लिए रखा था पानी। ये देखिए, बहुत ही अच्छा उसका शेप आ चुका है, कितना परफेक्ट जो सर्कल होना चाहिए आया है। आई विल रिमूव इट, बट आप देखिए उसमें से पानी भी कितना निकला है, बहुत सारा पानी इसमें से एक्सेस निकला है। देखो, ये देखिए, हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं, इट्स वेरी नाइस। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कोई मोती निकाला है समुद्र से। लुक एट दिस, ये नीचे गांठ की वजह से आपको इस तरह से दिखेगा, ऊपर देखो ये पूरा एकदम परफेक्ट आया है। वेरी नाइस, यू कैन स्टोर इट इन द फ्रीजर। आप फ्रीजर में इसको स्टोर कर सकते हो 10 से 15 दिन के लिए, और जब आप इसको पकाना चाहते हो आप इसको बाहर निकाल के रख सकते हो। फ्रीज में रखो पहले, उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हो, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद। बट फ्रीजर में रखिए आप, 10 से 15 दिन तक आराम से इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए,
बाहर के मार्केट से जो पनीर लाते हैं उससे तो ये 100 गुना बेटर रहता है एंड बहुत ही हेल्दी रहता है. सो आई होप यू लाइक माई रेसिपी. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.